जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 और 31 जनवरी 2023 के धनु के फल के बारे में राशि के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे होंगे इन दो दिनों में ग्रह नक्षत्रों में क्या परिवर्तन होंगे क्या योग बनेगा और ग्रह आपकी दिनचर्या को कैसे प्रभावित करेंगे जानेंगे आपके व्यापार व्यवसाय नौकरी शिक्षा स्वास्थ्य पारिवारिक जीवन प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन सभी के बारे में दोस्तों आगे बढ़े इससे पहले आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ तो दोस्तों जानते हैं इन दो दिनों में क्या तिथि होगी क्या नक्षत्र होगा और कौन से योग बनेंगे बात करते हैं सबसे पहले इन दो दिनों के पंचांग के बारे में तीस जनवरी 2023 माघ माह का शुक्ल पक्ष का सोमवार का दिन होगा नौमी तिथि सुबह दस बजकर चौदह मिनट तक रहेगी फिर दसवीं तिथि शुरू हो जाएगी शुक्ल योग सुबह दस बजकर सैंतालीस मिनट तक रहेगा इसके बाद ब्रह्म योग शुरू हो जाएगा कृतिका नक्षत्र रात दस बजकर पंद्रह मिनट तक रहेगा इसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा सूर्य देव मकर राशि में विराजमान होंगे यानी आपके द्वित भाव में होंगे और चंद्रदेव वृषभ राशि में विराजमान होंगे आपके छठे भाव में विराजमान होंगे राहु काल का समय सुबह आठ बजकर इकतीस मिनट से सुबह नौ बजकर बावन मिनट तक अभिजीत मुहूर्त दोपहर बारह बजकर बारह मिनट से दोपहर बारह बजकर छप्पन मिनट तक रहेगा और इस दिन सर्वार सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण होगा इस दिन गुप्त नवरात्रों की समाप्ति होगी जो कि बाईस जनवरी से शुरू हुए थे तो ऐसे में मां दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना होगा साल में चार नवरात्रे होते हैं दो गुप्त नवरात्रे और दो प्रकट नवरात्रे जिस दिन यानी 22 जनवरी को गुप्त नवरात्रों की शुरुआत हुई उस दिन शुक्रदेव ने राशि परिवर्तन किया और शनि के साथ युति हुई और अब और इकतीस जनवरी की रात को शनि अपनी स्वयं की राशि कुंभ में अस्त भी होने जा रहे हैं और शनि का गुप्त नवरात्रों में अपनी स्वयं की राशि कुंभ में विराजमान होना तीस साल के बाद हो रहा है साथ ही शुक्र और शनि मित्र ग्रह है और दोनों की युति हो रही है तो यह समय काफी फलदायी साबित होगा और धनु राशि के लोगों पर शनि की कृपा दृष्टि बनी होगी क्योंकि तो धनु की साढ़े साथी जो शनि की चल रही थी वो भी समाप्त हो चुकी है तो शनि सबसे मंद ग्रहों में से चलने वाले ग्रह हैं ये लगभग ढाई वर्ष में अपना समय पूरा करते हैं एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं इसलिए इनका प्रभाव भी अधिक होता है और ये व्यक्ति के जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं इन्हें कर्म का कारक कर्म फलदाता माना जाता है ये व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं और यहां शनि धनुराशि के लोगों के लिए तृतीय भाव में विराजमान है और यहां शनि की दृष्टि आपके नवम यानी भाग्य भाव पर भी है तो ऐसे में आपके पराक्रम में वृद्धि होगी साथ ही परिवार में सुख शांति बनी होगी और साथ ही भाग्य का भी साथ मिलेगा धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि ज्यादा होगी शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे शनि का आपके तृतीय भाव में अस्त होना आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा साथ ही आपके खर्चे को भी बढ़ाएगा और कई बार आपकी वाणी भी कटु हो सकती है तो ऐसे में अपनी वाणी पर संयम रखना होगा साथ ही किसी भी कार्य में जल्दबाजी ना करें जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा यहां शुक्र और शनि की युति आपके लिए फायदेमंद साबित होगी कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे व्यापार व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति भी बनी रहेगी लेकिन यहां आपको कठिन परिश्रम करना होगा कार्य के प्रति आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपनी मेहनत का पूरा परिणाम नहीं मिल रहा है लेकिन शनि कर्म फलदाता ग्रह है जो व्यक्ति को उसके कर्म उसकी मेहनत के अनुसार फल देते हैं तो ऐसे में अपने कार्य पर फोकस रखें लगातार प्रयास करें क्योंकि शनि आपकी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे आने वाले समय में शनि की कृपा से आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी और शनि की कृपा दृष्टि आप पर बनी होगी तो शनि यहां आपको फायदा देने का कार्य करेंगे बिजनेस में धन लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी काम के प्रति आपका उत्साह बना रहेगा और आज कोई आपकी मदद के लिए तैयार होगा महिलाएं कोई नई ज्वेलरी खरीदने के बारे में विचार कर सकती हैं दोस्तों के बीच आपका रुतबा बना रहेगा अगर आप काम के मामले में फ्रेशर हैं और कोई काम ढूंढ रहे हैं तो आपको कोई काम मिल सकता है बिल्डर्स को आज किसी जमीन से फायदा हो सकता है और निवेश के लिए भी समय काफी अच्छा होगा घर से बाहर जाते समय ध्यान रखें जब घर से बाहर जाए तो दही खाकर जाए आपको काम में लाभ प्राप्त होगा और आज के दिन आप पूरा दिन व्यस्त रहेंगे ऑफिस में कामकाज अच्छे से चलेगा और आपका मन भी प्रसन्न होगा बात करें 31 जनवरी 2023 की तो शुक्ल पक्ष का मंगलवार का दिन होगा दसवीं तिथि सुबह ग्यारह बजकर छप्पन मिनट तक रहेगी फिर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी ब्रह्म योग सुबह दस बजकर सत्तावन मिनट तक रहेगा इसके बाद इंद्र योग शुरू हो जाएगा रोहिणी नक्षत्र अगले दिन सुबह बारह बजकर उनतालीस मिनट तक रहेगा इसके बाद मृक्षरा नक्षत्र शुरू हो जाएगा सूर्यदेव मकर राशि में विराजमान होंगे चंद्रदेव वृषभ राशि में विराजमान होंगे राहु काल का समय दोपहर तीन बजकर सोलह मिनट से चार बजकर अड़तीस मिनट तक रहेगा अभिजीत मुहूर्त दोपहर बारह बजकर तेरह मिनट से दोपहर बारह बजकर छप्पन मिनट तक रहेगा और इस दिन भी रवि योग होगा रवि योग को सूर्य का अभिष्ट प्राप्त है इसलिए इस दिन सूर्य की पूजा की जाती है और यह दिन खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है इस दौरान किए गए कार्य बिना किसी व्यवधान के पूर्ण होते हैं और शुभ परिणाम देने वाले होते हैं तो कुल मिलाकर यह समय आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है आज आपको किसी यात्रा पर जाने के योग बनेंगे और आपको किसी बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर भी मिल सकता है आप सबको अपनी बातों से इंप्रेस करने में सफल होंगे जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो आज किसी सामाजिक कार्यक्रम में बतौर अतिथि जा सकते हैं वहां आपको मान सम्मान प्राप्त होगा कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी और छात्रों के लिए दिन काफी अच्छा साबित होगा आप अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत उत्साहित रहेंगे और मां सरस्वती की कृपा आप पर बनी होगी इस दौरान आप अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होंगे और जो लोग अविवाहित हैं विवाह विवा के प्रस्ताव आने की पूरी संभावना होगी प्यार के रिश्ते मजबूत होंगे दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा होगा और स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा कुल मिलाकर ये दो दिन आपके लिए काफी सकारात्मक साबित होंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे दोस्तों ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक